फिरोज? फिर से भाग जाएगा क्या शहरी? शादी कर पाएगा क्या फिरोज? फिर से किरण की मार खाएगा क्या सुल्तान भाई का पैसा इसी तरह बहता जाएगा क्या मुजाहिद अब्बा से ऐसी जाया हो जाएगा? आई जी क्या इसी तरह घर आएगा? क्या रुकैया का दिल मुझ पे आएगा? अबे चल, हशमत एंड सन रिटर्न्स की कोई भी खबर चाहिए तो शुक्ल टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबाएं। एक तो रोजाना सुबह ऐसे भिखारी आते हैं जैसे इनकी ड्यूटी हो, बताओ जरा। अरे 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 हसमत, ये क्या क्या है यार, ये तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे पहचाना नहीं, मैं अलाउद्दीन हूँ। अलाउद्दीन, मैंने तुम्हें पहचान लिया इसलिए दरवाजा बंद किया है। पहले ये बताओ किस लिए आया तुम? अरे मेरी बेटी का घर है यार, क्या वजह बतानी पड़ेगी क्या? पहली बात तो ये कि तुम्हारी बेटी का नहीं किराए का घर है, और दूसरी बात बिल्कुल वजह बतानी पड़ेगी। अगर वजह माकूल होगी तो अंदर आने दूंगा, वरना यहीं से अपनी शक्ल गुम कर लो तुम। अरे यार ये क्या बदमाशी यार, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तुम्हारी बेटी और दामाद गए हैं, बाद में आना। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, इतनी सुबह सुबह वो नहीं जा सकते। जब इतनी सुबह सुबह तुम हमारे घर आ सकते हो तो वो भी कहीं जा सकते हैं। अरे यार ये क्या मुसीबत है यार, यार मैं अंदर बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। नहीं नहीं, ज्यादा शौक हो रहा है इंतजार करने का तो बाहर बैठ के कर लो। अरे यार तुम देख रहे हो बाहर कितनी धूप हो रही है यार। ये मेरा मसला नहीं, अगर धूप ज्यादा थी तो तुम्हें बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। है क्या वो? अरे अरे हाँ हसमत हसमत, बात तो शुरू मेरी। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या बात है यार, पहले मुझे गिफ्ट दो फिर मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। बैग में गिफ्ट रखा है यार। निकाल के दो गिफ्ट, निकाल के दो, पहले गिफ्ट निकाल के दो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है मुझे तुम में भरोसा। अरे हाँ, अरे यार वो गिफ्ट जो है मैं बैग में रखना भूल गया यार। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा ये बताओ गिफ्ट कितने का था? अरे गिफ्ट बहुत महंगा है, कम से कम 10,000 का होगा। ठीक है फिर तो मुझे 10,000 कैसे दो, वो गिफ्ट किसी और को दे देना। अरे यार अभी 10,000 कहाँ होंगे इसरे यार। कितने हैं तुम्हारे पास? मुश्किल से मेरे पास ये, हाँ ये 5,000 है यार। अगर मुश्किल से 5,000 तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें आसानी से अंदर आने दूंगा। लाओ भाई निकालो जल्दी, निकालो ये लो। हाँ लाओ तो लाओ। चलो अंदर तो आने दो अब। एक मिनट नोट तो चेक करने दो। ठीक है आ जाओ भाई आ जाओ। मैं मजाक कर रहा था, किरण फिरोज अंदर है, जाके मिल लो। जाओ चलो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो यार? अजीब मुसीबत है यार, पैसे लूट के ले गया। कमाल है भाई। फिरोज किरण। अरे भाई किरण फिरोज कहाँ हो, कब से आवाज दे रहा हूँ मैं? अरे लाउद्दीन अंकल आप कब है, आप कब है? अरे भाई बहुत देर से आया हूँ, हसमत ने मुझे नीचे गर्मी में रोक रखा था। ये गर्मी से आपकी हालत क्या हो गई है, और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? भाई आपका शुगर लेवल लो तो नहीं हो रहा? हाँ चक्कर तो आ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पिए तबियत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ ठंडी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, लाए 125 रुपए दे, 125 रुपए दे, मैं अभी जाकर 1.5 लीटर लेकर आता हूँ। अगर नहीं है घर में तो रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो, मैं मेहमान है, अच्छा थोड़ी ना लगता है। पैसे दे, पैसे दे। छोटी बोतल ले आओ ना। मैंने अंकल बड़ी बोतल लगी, ज्यादा फायदा होगा, सब पी लेंगे। किरण भाभी, रोज भाई, हाँ रुकई खाला भी, और मैं। हाँ अभी आ रहा नहीं तो पूरे 150 रुपए है अंकल, बकाया टिप मैं रख लूंगा। थैंक यू। अरे बाबा आपका भाई, आपने तो सरप्राइज ही कर दिया। अरे बेटा मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ। तो सोरो सामान क्या मतलब बेचने जा रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। ओहो असल में मुझे होटल चेंज करना था, अभी चेकआउट किया है, रात को दूसरे होटल चेक इन करूंगा, तो सोचा आज का पूरा दिन तुम लोगों के साथ गुजारूंगा। अरे क्यों जाएंगे आप होटल में? मतलब रात भर फुटपाथ पे रहेंगे। अगर तुमने एक और बकवास मजाक किया तो मुंह तोड़ दूंगी। ओहो भाई तुम लड़ क्यों रहे हो? अरे पापा लड़ाई दो तरफा होती है, मगर यहाँ से लड़ाई होगी वो भी एक तरफ से। पापा आप जब तक कराची में ना, आप हमारे घर में ही रहेंगे। अरे क्या बात करी बेगम, कहाँ रहेंगे, घर में जगह कहाँ है? अच्छा उज़्मा और सुल्तान इस घर में रह सकते हैं, मेरे पापा नहीं। मगर वो तो इस घर के फर्द हैं। तो मेरे पापा इस घर के फर्द नहीं है? अरे बेगम मैं आपसे। ओहो भाई तुम लोग परेशान मत हो, मैं होटल में रह लूंगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, होटल जैसी फैसिलिटीज इस घर में कहाँ है? अच्छा होटल में घर जैसा माहौल थोड़ी ना होगा। अरे बेगम माहौल की ही तो बात कर रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता, अगर मेरे पापा इस घर में नहीं रहेंगे ना तो मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे नहीं बेगम, अरे समझने की कोशिश कर बेगम, अरे खुदा के लिए बेगम। चलो ठीक है यही रह लेंगे, होटल का खाना खाए हुए तो मेरा मुंह का जाता ही अजीब हो गया है। अम यम यम यम। क्या कर रहे हो, क्या कर
रहे हो? अरे पहलवान नहीं करते कुश्ती से पहले। अच्छा, ब्लॉक करना है, डिफेंस करो। ये कोई टू टाइम नहीं, जिसका मौका लगता है वो मारता है। मैंने हार मानी। अरे बेटा, अगर इस तरह हार मानते रहोगे तो जिंदगी के मैदान में मुकाबला किस तरह करोगे? मुझे कोई मुकाबला नहीं करना। तो फिर तुम सुपर हीरो कभी नहीं बन सकते। जो सुपर हीरो खुद को नहीं बचा सकता, वो दुनिया की क्या हेल्प करेगा? हजुमन, कोई और तरीका नहीं है? एक तरीका और है। क्या? मुझे मंजूर है। अरे भाई, तुम्हें ट्रक के पीछे भागकर पथरीले मैदान के अंदर घसीटना पड़ेगा। इस तरह तुम्हारी विल पावर भी मजबूत होगी और तुम्हारी मजबूती का इम्तिहान भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आप एक काम करें, आप पहले वाला काम करें, आप मुझे हैंड फाइट सिखाएं। नहीं नहीं, हैंड फाइट नहीं, अब तुम्हें लेग फाइट सिखाएंगे। क्या लेग फाइट? मतलब ये कि तुम्हें अपने पेट को बचाना होगा, मैं तुम्हारे पेट पे किक मारूंगा, ठीक है? कमऑन कमऑन, ब्लॉक करना है। कमऑन, खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई, तुमने उंगली आगे की, मैंने समझा मजबूती का इम्तिहान ले रहे हो। मैं तो कह रहा था मुझे वॉशरूम आ रहा है। तो मुंह से बोलना चाहिए, अल्लाह ने जबान किसने दी है? आओ मेरे साथ। हजुमन, कमोड है। हाँ है कमोड, आ जाओ आ जाओ। अल्लाह, आ जाओ भाई, फैटमैन आ जाओ, सीधे हाथ में वॉशरूम में यूज कर लो जाए। थैंक यू हजुमन। हजुमन, दरवाजा तो अंदर से बंद है। अरे भाई, अटक गया होगा, जोर लगाओ, खुल जाएगा। हजुमन, दरवाजा अंदर से लॉक है यार। क्या बात कर रहे हो, कौन आ सकता है हमारे घर के अंदर? कोई भी इस रंगत से बाहर आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अलाउद्दीन, तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे? बोर हो रहा था, सोचा फुटबॉल खेल लूं। क्या हजुमन, आपका वॉशरूम इतना बड़ा? लेकिन ये तो इतना छोटा वॉशरूम है, क्या स्टेडियम का रास्ता कोई खुफिया रास्ता बनाया आप लोगों ने? और मजाक कर रहा था यार। अरे इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अरे मुझ में तो इतनी हिम्मत है कि मैं रुकैया के साथ भी मजाक कर सकता हूँ। अरे कैसी, और तुम खड़े में क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ जाके जल्दी वॉशरूम में। और तुम गए कैसे अंदर, ये बताओ पहले मुझे। यार किरण के वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए गया था। अगर किरण के वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा तो सड़क के किनारे जाके बैठ जाते, लेकिन मेरा वॉशरूम क्यों यूज किया तुमने? बताओ बताओ क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये कोई मुझे बताएगा आखिर ये सब हो क्या रहा है इस घर में? अलाउद्दीन ने मेरी जिंदगी आजाद कर दी है, मुझसे बगैर पूछे मेरा वॉशरूम इसने कैसे यूज किया? ये तो बहुत ही नाजेबा हरकत है। अभी के अभी तमाम खानदान वालों को जमा करो, इस बात का अभी फैसला होगा और तुम जज बनोगे। अच्छा, और मैं जज बनूंगा, यानी कि जजमेंट मैं दूंगा? अच्छा ठीक है, मैं पूरी फैमिली को जमा करता हूँ और आज मैं तारीख साफ फैसला दूंगा। जाओ भाई जल्दी, जल्दी बाहर निकलो भाई, मुझे भी जाना है वॉशरूम। टाइम लगेगा सुंदर। करते हो भाई, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में गेम खेल रहा हूँ, उतनी देर में तुम फारिग होके आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है। सुल्तान, बिला वजह लंबी मत करो, जो काम की बात है वो करो पहले फौरन। जी जी, मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ भाई। मैं किसी तरफ आने जाने की जरूरत नहीं है, वहीं खड़े खड़े करो, वरना पहले उठ के तुम्हें मारूंगा। ऐसे कैसे मार देंगे, जबरदस्ती मार देंगे। मैं तुम्हें डेमो देकर दिखाता हूँ मैं कैसे मारूंगा। अरे क्या हो गया हशो, दामाद है उसे मारेंगे। अरे दामाद है तो इसलिए जिंदा बचा रहा है, वरना इसी खाल में भूसा भरवा के खेत में खड़ा कर देता है। भगो जल्दी। भाई हशमत अंकल को एतराज है कि अलाउद्दीन अंकल ने उनका बाथरूम बिना इजाजत इस्तेमाल किया है। अब मैं दावते कलाम दूंगा, जनाब इज्जत माब दामते बरकाते मुलालिया, जनाब अलाउद्दीन साहब। फिर लंबी कर रहा है। अपने नुक्ता नजर पेश करें। अरे अरे क्या हो गया, एक बाथरूम ही तो इस्तेमाल किया था, कौन सा उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे? बात हीरे जवाहरात की नहीं है, बात प्राइवेसी की है। एक गैर शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरा बाथरूम कैसे इस्तेमाल कर सकता है? और डब्ल्यू चोरी इस्तेमाल कर सकता है, ये भी तो गैर है। अरे क्या बेहतरीन पॉइंट उठाया आपने बाबा, आपने तो पापा को ही लाजवाब कर दिया। चल तुम तमीज से बात करो, ये डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है, मेरा दोस्त है और गैर भी नहीं है ये। वाह वाह, ये सड़क का आवारा आपका अपना हो गया और मेरे पापा गैर हो गए। ये आवारा नहीं है, नहीं है आवारा, इसके पापा कस्टम ऑफिसर है और तुम्हें पता है बेबी, इसके पापा पास बहुत माल है। हाँ, जब भी इस बच्चे से दोस्ती की है ना। हाँ बेबी हाँ, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। बंद करो ये जनमुरी थी, और तुम्हारा बाप मिलने के लिए आया था, मिल लिया, बाथरूम भी यूज कर लिया, अब ये जाएगा कब? मेरे पापा कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे रुकेंगे। क्या बकवास है, मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं है। मैं आपसे इजाजत नहीं ले रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। फिरोज, तुम देख रहे हो तुम्हारी बीवी कैसे आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात कर रही है? और अलाउद्दीन, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बेटी के घर पे रुकते हुए? नाम तो बड़ा सुल्तानों वाला है, अलाउद्दीन अय्यूबी। अरे पापा, आपको तो ठीक से हिस्ट्री भी नहीं पता, सलाउद्दीन अय्यूबी था, अलाउद्दीन खिलजी था और आपने अलाउद्दीन को अय्यूबी बना दिया। वाह वाह वाह, तुम बहुत बदतमीज बात की है, ये 100 रुपए तुम्हारे इनाम। शर्म करो, बगैर 100 रुपए के लिए बाप की बेइज्जती कर रहे हैं। इसमें शर्म की क्या बात है, अंकल ने अपनी खुशी से दी है। वाह, बेइज्जती का लेवल है भाई, वाह वाह। वैसे बिस्मा, हशमत अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और किरण ये कोई सराय थोड़ी है जो कोई भी आके रह लेगा। तुम तो बोलो ही मत उज्मा, तुम और सुल्तान कब से इस घर में पड़े हो, कभी एतराज किया? हाँ तो मुफ्त में तो नहीं रहते, पैसे देते हैं। हाँ ये बात ठीक है, अगर अलाउद्दीन जो पैसे होटल में दे रहा था वो मुझे देते तो मैं इसके यहाँ रहने के बारे में गौर कर सकता। पापा आपको 1 रुपया नहीं देंगे। रुकैया को भी मसला है उसके यहाँ रहने से, ये उल्टे सीधे गाने गाता रहता है, शी विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड हिम। रुकैया, अगर आपको मेरे यहाँ रहने पर एतराज है तो बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। नहीं
नहीं, मुझे क्या एतराज होगा? अरे मुझे कोई एतराज नहीं है। देखा हशमत, इनको कोई एतराज नहीं है। अरे ये तो है ही दो टके की औरत, गोल्ड डिगर कहीं की बेशरम। हशमत, अबे चल मेरी बीवी है, जो चाहे बोलू, मेरी गन का, मैं तुझे अभी मार के खत्म। हशमत ये पहले मैं तुम्हें ना मार दूं, अभी तो बताओ, मैं तुम्हें बताओ। मजाक कर रहा हूँ, प्लास्टिक का नहीं है, देखो ये देखो। नहीं मुझे जाली बंदूक से तो डराना नहीं, बड़े आए कहीं के। चलो बहरोज, हम इस पंचायत में क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ से। हाँ बीबी हाँ, अब तो मेरा पैसे भी आ गए, चलो तुम्हें गंदा गोला खिला कर आता। गंदा गोला नहीं, गोला गंदा होता है, गोला गंदा होता है। हाँ वही। चलो भाई, सुल्तान आप खड़े क्या कर रहे हैं, चले। अरे भाई, हशमत अंकल ने मुझे यहाँ जज बनाया है, मैं कैसे जा सकता हूँ। चलो भाई, खाली अदालत में तुम ध्यान दोगे, निकलो यहाँ से। करवा लिए थी तरह बेइज्जती, अब चले। जी बेगम। देखो ये देखो हशमत भाई, अब हम लोग क्या करेंगे। आओ सरा, मेरे पास एक और प्लान है, मैं बताता हूँ। आओ। मैं उठ नहीं पाऊंगा। अरे आओ भाई आओ। अरे आओ आओ आओ, आओ। लग रहा है हमें कोई देख रहा है। देख रहा है ना? कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। अरे मैं बंदों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह तो देख ही रहा है, बेवकूफ कहीं के। हशमत वो सब छोड़ो, ये बताए ये सब क्या सीन है? ये सब तुम्हें सुपर हीरो बनाने की ट्रेनिंग का हिस्सा है। क्या सीरियसली? और नहीं तो क्या, दुनिया में किसी भी लम्हे बुरा वक्त आने वाला है, हमें ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर सुपर हीरो तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ। शाबाश। हशमत मुझे कुछ दिख रहा है? हां दिखेगा दिखेगा, सब दिखेगा सब दिखेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे ये क्या शमा रहा हो, दुपट्टा छोड़िए, ये सही से करो सही से करो। हशमत मेरी पीली चादर कहां गई और ये काली चादर कहां से आ गई? अरे भाई, अब तुम फैक्टमैन नहीं हो, अब तुम भूतमैन हो। सीरियसली? हां, तुम्हें अंदर जाके अलाउद्दीन को डराना है। क्या? नहीं नहीं, ये गलत है, बुड्ढा आदमी का हार्ट अटैक से मर जाए। अच्छा मर जाए, हमारी जान तो छूटेगी। कितने गलत बात है। अरे कोई गलत बात नहीं, और कोई मरेगा नहीं, बेहोश होगा ज्यादा से ज्यादा, बाहर लाके यहाँ भेज देंगे, बोलेंगे नींद में चलता हुआ यहाँ आ जाओ। भी अगर बाई चांस मर गया तो? मर गया तो यहीं गाड़ देंगे उसको, बेवकूफ कहेंगे, ज्यादा उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। और चश्मा उतारो और ये मास्क पहनो। नहीं नहीं, चश्मे क्यों उतारने, मैं देखूंगा ऐसे। अरे भाई, तुमने वहाँ कौन सा सुई के अंदर धागा डालना है, तुम्हें जाके उसे सिर्फ डराना है, वो करोगे वही करके डर जाएगा। ठीक है, पहनो उसे पहनो। और भूत की आवाज निकालना आती है? बिल्कुल आती है। निकालो निकालो, ऐसा ऐसा मुझे डरा रहे बेवकूफ कहेंगे। हशमत ये मास्क पहन के मुझे एक फील आ रही है। कौन सी फील? बिल्ला चा बिल्ला चा बिल्ला चा चा चा। जल्दी जाओ 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 जाओ। अच्छा तो ये गेम बन रहा है, अभी जाकर अलाउद्दीन अंकल को बताता हूँ, वो जरूर खुश होकर मुझे कोई ना कोई इनाम देंगे। ये अच्छा पापा, हम लोग जरा क्रॉसिंग करके आते हैं, आप जब तक आराम करें। अरे बेटा, मुझे कहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो? क्या मतलब अकेला? अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, सुकून से लेट जाए, चिल करे। अरे नहीं बेटा, कोई आ गया तो? कौन आएगा पापा? अरे वो शहरी आ जाता है यार। शहरी तो बगल में झील किनारे अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए गया हुआ है। अच्छा 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 बेटा, जल्दी आ जाना। सब लोग यूं गए और यूं आए। हाँ बेटा जल्दी आ जाना है। अच्छा सुनो, वो उसका पासवर्ड तो बता दो वाईफाई का। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। चलो फिर चलो चलो बेटा, जल्दी आ जाना है। 1 2 3 और ये 3 2 1। अलाउद्दीन अंकल, अलाउद्दीन अंकल, क्या हो गया? होशियार हो जाए, फौरन होशियारी पकड़ ले। क्या हो गया क्या हो गया? आप पर ग्रैंड हमला होने वाला है। ग्रैंड हमला मुझ पर क्यों? भूत 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 है? क्या क्या मतलब, यहाँ भूत नहीं है क्या? इंसान नुमा भूत, इंसान नुमा भूत। ये देखिए मैं आपकी, ये क्या है, जादू छड़ी है ये? आपकी हिफाजत के लेकर आया हूँ। जादू की छड़ी है ये? नहीं नहीं अंकल, इससे मैं बेबी की लस्सी बनाता हूँ। तो क्या मैं लस्सी बनाऊंगा? नहीं अंकल, आप इससे भूत की लस्सी बनाएगा, उसे मार मार के उसका भूत भगा दीजिएगा। ठीक है ठीक है, इससे मार मार के उसका। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे जाओ, मेरी हिफाजत कौन करेगा? अंकल मेरी बेबी का दिल बहुत छोटा है, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो सह नहीं पाएगी, मर जाएगी। और बेटा मुझे कुछ हो गया तो? आपकी कौन सी बेबी अंकल? क्या करूँ क्या करूँ? हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है। भूत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा,
भूत को भगा दिया। भूत को भगा दिया मेरे। ताजी बेचारा मर जाएगा चौकट पे। हर्षवर्धन मैन, ये देखिए क्या हो गया। अरे अरे ये तो सारा एफ उल्टा हो गया। अरे आपका एफ की पड़ी है, यहाँ पे पूरा गेम उल्टा हो गया। तुम अंदर गेम खेलने गए थे? अरे हर्षवर्धन मैन बात को समझे, जब मैं कमरे में गया बुड्ढा पहले से विकेट लगा के बैठा हुआ था। क्या वो रेडी था? अरे रेडी अंदर गया, वो तो भूत से भी नहीं डरा। मैं जब अंदर गया उसने मेरे पे ज्यादा डाली और उसके बाद हो गया। अरे बेटा तो तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए था, मैंने तुम्हें नीचे इतनी ट्रेनिंग दी थी। अरे अश्वत मैन कैसे करता फाइट बैक, चश्मा नहीं था ना। क्या करते हो भाई? हे ये इसकी हालत क्या हो गई? देख रही हो तुम, अलाउद्दीन ने बच्चे को जानवरों की तरह मारा है। ऐसा तो कोई धोबी घाट में कपड़े नहीं धोता जैसे बच्चे को धो दिया उसने। आज तो ऐसा क्या हो गया था? अरे बच्चा मास्क पहन के डरा रहा था, बस इतनी सी बात पे कूद दिया। तो इसे क्या जरूरत थी बूढ़े आदमी को मास्क पहन के डराने की? अरे बच्चा है, इस उम्र में मजाक भी करेगा तो कब करेगा। तो अपने घर में जाके ये उछल कूद मचाए ना, यहाँ क्या कर रहा है? भैया ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जब अलाउद्दीन यहाँ रह सकता है तो ये भी यहाँ रह सकता है, ये मेरा दोस्त है। और जाओ खड़ी मत हो, इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। क्या खाओगे बेटा? इतनी मार के बाद एक लार्ज पिज्जा बनता है। लार्ज पिज्जा है? हैं घर में दाल रोटी है नहीं, पिज्जा खाएंगे। अच्छा अच्छा, वो एक काम करो ना, वो रात के पराठे थे उसमें सब्जी डाल के लिए। आ बेटा वेजिटेबल पिज्जा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन दूध के साथ। एक गिलास दूध भी ले आना। एक गिलास में नहीं, पतीली में। हैं ये तो पूरे घर का दूध पी जाएगा। मैम बताए इनको मेरी फैमिली। अरे भाई खाते पीते घर का बच्चा है, क्या हो गया भाई? है बेटा एक मशवरा है तेरे लिए, तू दूध कम पिया कर और लहसुन और सिरके का इस्तेमाल ज्यादा किया कर, ये चर्बी घुल जाएगी तेरी। तुम्हें ज्यादा जुबैदा आपा बनने की जरूरत नहीं है, बिला वजह के टोटके मशवरे दे रही है। जाओ जाके खाने के लिए लेकर आओ बच्चे के लिए। है पूरे घर का खाना लाना पड़ेगा। मुझे लगता है जरूर किसी ने मुखबरी की है ना, ये बूढ़ा आदमी भूत से नहीं डरे, ये कैसे हो सकता है? अरे तो मास्क ऊपर करके बैठो, हमें डरा रहे हैं, जो काम भेजा था वो तो हुआ नहीं इनसे। बहुत मारा। छोड़ो भाई ड्रामा देखो इधर के। माफ कर दिया दानिश, बचेगा सुनो भाई। ये कितनी अच्छी है और ये तो और अच्छी है, हैं? देखा अंकल, देखा आपने कैसे मेरी बर वक्त इतला पर आप उस भूत से बच गए? हाँ ये बात तो है। अगर मैं आपको इतला नहीं देता तो आपके साथ पता है क्या होता? हाँ? सबसे पहले आपको होता हार्ट फेल। हाँ। हार्ट फेल के बाद आपको ले आता सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले आने के बाद आपके होता करंट टेस्ट। करंट टेस्ट होने के बाद होता आपके साथ जो लेके गया उसका होता करंट टेस्ट। फिर आपको लिटाते वेंटिलेटर पर। फिर आपको लगाते ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जैसे खत्म होता एक डॉक्टर उदास चेहरा लिया हुआ आता और कहता आई एम सॉरी हम आपको बचा नहीं सके। फिर अंकल उसके बाद आपकी लाश को लपेट कर प्लास्टिक के थैले में वो किसी खड्डे में डाल देते, यूं आप मर जाते, आपका नाम और निशान खत्म हो जाता। मगर आप अभी जिंदा हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत थैंक। अंकल खाली थैंक यू से गुजारा थोड़ी ना होता है। तो क्या करूं, तुम्हारा सर चूम लूं? नहीं नहीं अंकल, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ इनायत फरमा दे। तो क्या इनायत फरमा? ऐसा करो मेरे बैग में जींस की पैंट और टी शर्ट वगैरह बेहतरीन पड़ी हुआ अमेरिका की, वो ले लो। अरे अंकल मुझे घर में पुराने कपड़े तो कोई भी दे सकते हैं, पापा, फिरोज भैया, सुल्तान भाई। तो फिर क्या दूं तुम्हें? हाँ अंकल मैंने आज तक कभी डॉलर नहीं देखे। नहीं देखे? अभी दिखा देता हूँ। अरे अंकल मेरी बेबी ने भी कभी डॉलर नहीं देखे। नहीं देखा उसको बुला लो, उसको भी दिखा देते हैं। अरे अंकल बेबी यहाँ पर आएगी अच्छा थोड़ी ना लगता है। ओहो अंकल देखिए मैं डॉलर ले जाकर कुछ दिन अपने पास रखूंगा, बेबी को दिखाऊंगा, फिर आपको लाकर वापस कर दे दोगे ना? पक्का? लेकिन हाँ अभी मेरे पास डॉलर नहीं है, अभी मेरे पास है पाकिस्तानी रुपए। दिखाएं दिखाएं। ये देखो ये ना 500 रुपए ये ना ये पड़े हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। अंकल मैं इन पैसों का डॉलर चेंज कराऊंगा, बेबी को दिखाऊंगा और वापस लाकर दे दूंगा। दे दोगे ना? पक्का भाई, हैं ये ले गया, हैं ये दे दो। अरे वाह आज मौसम। हर्षवर्धन अंकल हम लोग थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गए क्या, पीछे ये तमाशा हो गया। क्या तमाशा? मैंने नहीं किया, इम्तियाज अली ने किया है। क्या? अरे भाई इम्तियाज अली की फिल्म का नाम तमाशा है, मेरी फिल्म का नाम थोड़ी है। अरे ये तरीके कार खाना थे पापा। अरे भाई खाना रुकैया ने पकाया, उससे जाके पूछो उसने क्या तरीके का इस्तेमाल किया है। अरे हम लोग खाने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर क्या बात कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? फैट मैन ने मेरे पापा को भूत बनकर डरा दिया। अच्छा अच्छा, वो तो बच्चे ने मजाक किया होगा। कोई मजाक नहीं था, ये प्रॉपर प्लानिंग थी। हाथ नीचे करके बात करो, पाप को उंगली दिखा रहे हैं बेशरम करके। छोटे बच्चे ने मजाक किया, उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रही है। छोटा बच्चा? मैं सब जानती हूँ, आप ये जानबूझ के कर रहे हो ताकि मेरे पापा घर छोड़ के चले जाएं। मेरा दिमाग खराब है, मैं ये सब क्यों करूंगा?
बहरोज ने पापा को सब बता दिया है। क्या बता दिया? बहरोज को क्या पता? बकवास कर रहा है बहरोज, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं सब जानती हूँ, मैं भी जानता हूँ तुम्हारे बाप को वो क्या क्या हरकतें करता फिर रहा है। मैं सिर्फ सबूत जमा कर रहा हूँ उसके खिलाफ। एक बार उसके ऐसे तुम लोगों के सामने ले आऊं, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं सही हूँ या वो सही है। क्या क्या हरकतें करें, क्या करें? हाँ, वक्त आने में सब पता चल जाएगा। मेरे सर पे नाश्ते की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, दिमाग नहीं खराब करो मेरा। देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ। फिरोज चलो चलो, चाय बनाओ मेरे लिए और पापा के लिए। पापा के लिए? इनके लिए नहीं, मेरे पापा के लिए। चलो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ भाई वाह, ऐसा सनमुरीद हमने नहीं देखा कभी भी। अब ये बताओ, करंट यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं? लेकिन इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, बस मैं करंट का एंट्री पॉइंट पूछ रहा था। अब तुम्हें पता चला, दुश्मन जिस जबान में सवाल करे जवाब उसी जबान में देना चाहिए। क्या मतलब ये कि तुमने अलाउद्दीन से मेरी मुखबरी की थी, अब तुम्हें इस्तेमाल करूंगा मैं उसके खिलाफ। नहीं पापा, मेरे कोई मुखबरी नहीं की। झूठ मत बोलो, मुझे किरण और फिरोज ने सब बता दिया। तुमने जाके अलाउद्दीन को बताया था कि फैटमैन भूत बनकर डराने वाला है, बताया था या नहीं बताया था? हाँ, मैंने तो कहा था कि चढ़ते सूरज को सलाम करना। अब डूबते हुए चांद का वालेकुम सलाम। देखो तुम तो हाथ छोड़ो, तुम्हें किससे बोला पकड़ के बैठने के लिए? बेवकूफ देखिए, और चार भाई से पैर पीछे करो कहते। अरे सर, तो बेचारा मर जाएगा। अरे मरता है तो मर जाए मेरी बला से। और तुम सुपर हीरो बनने आओ, दिल तुम्हारा बिल्ली के बच्चे जैसा है। दिल मजबूत करो, अपना दिल मजबूत करो। अरे मेरी बला से मारे साले को भी। अरे सच में मर गया तो? अरे तो क्या, बोरी में डाल के फेंक आएंगे। क्या ये वाला दौर वापसी आ गया? हाँ भाई, तुम्हारा टाइम आया था, हमारा दौर आएगा। इसका मतलब एक और आएगा? हाँ, और दुश्मन का नया शौर आएगा। एक मिनट, अब ये बताओ मेरा काम करोगे? करना क्या होगा मुझे? क्या क्या लगा? क्या हुआ? लाइट चली गई, लाइट चली गई। अरे लाना थे भाई, चलो उठो उठो, करोगे ना काम मेरा? उठो भाई, आराम से फैटमैन, ज्यादा ताकत मत लगाओ, ये भी चार पाई है घर में। चलो। अरे अशु, एक बात बताएं, ये अपने घर कब जाएगा? अरे ये बेचारा अपने घर का रास्ता भूल गया। तो आप छोड़कर आ जाए इसे? पागल हो गई हो क्या? दूसरा गोला पे रहता है ये। अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अरे तो अब क्यों बुलाए हमें? हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अरे दूध कहाँ बचा? हशु सारा तो ये पी गया। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुलजिम को सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। मुलजिम? मुलजिम कौन है? आ जाओ बेरोज, ले आओ ले आओ ले आओ, यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ, ले आओ ले आओ। अरे रे, ये तो मेरा बैग है। तो मैंने कब कहा कि ये मेरा बैग है? अरे भाई, कोई मुझे बताएगा कि आखिर माजरा क्या है, हो क्या रहा है इस घर में? कोई मुझे मालूमात देगा कि नहीं देगा? अरे अगर मौका दोगे तो मालूमात देंगे। तुम लोग जानना चाहते थे ना कि मैं अलाउद्दीन के यहाँ रुकने की क्यों मुखालफत कर रहा हूँ? क्योंकि अलाउद्दीन हमारे घर से सामान चोरी कर रहा है। क्या बकवास है ये, मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? अगर तुम चोर नहीं हो तो अपना बैग खोल कर तलाशी दो अभी के अभी। हाँ तलाशी लो। हाँ खोलो बैरोस बेटा, खोलो बैग, खोलो बैग, खोलो अभी के अभी, पता चल जाएगा। खोलो उसका बैग, खोलो अभी 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 खोलो। अरे ये तो मेरा सूट है, ये तुम्हारे ड्रेस लेके पापा क्या करेंगे? हो सकता है जल्दी जल्दी में रख दिया। अरे हमारा वाला, ये देखो मैंने निशानी लगाई। और शैम्पू अलाउद्दीन, शराब आनी चाहिए तुम्हें, शैम्पू उठा रहे हो। और ये देखो शोपीस, ये वाला, ये ड्राइंग रूम का शोपीस, और ये वाला शोपीस भी, ये सब चीजें उठा रहे हो तुम। अरे बच्चे का हैट चोरी कर लिया। अरे ये कैप तो अभी पहन रहा था। वाह क्या शातिर आदमी है, हाथ की सफाई देखी हमारी आंखों के सामने, चुरा लिया इसने। नहीं नहीं, ये सब चीजें पापा क्यों चुरा? पापा के पास इतने सारे पैसे। मुझे नहीं पता, कुछ लोगों के साथ नफसियाती मसला होता है चोरी करने का। तुम्हारे बाप की शक्ल देख के समझ गया था कि ये नफसियाती चोर है। नहीं नहीं नहीं, अरे बात पैसों की नहीं। अरे ये क्या है, ड्रग्स? ड्रग्स कौन सी है ये, सच से बताओ, ये कौन सी ड्रग्स है ये? अरे नहीं, ये मेरी नहीं है। अरे ये तो कोकेन है, वो भी हाई क्वालिटी। वाह मजा आ गया, सच से बताओ किसकी ड्रग्स है ये, किसकी ड्रग्स है ये, सच से बताओ बताओ। मैं अभी तुम्हें थाने लेके चलता हूँ, चलो मेरे साथ थाने चलो, तुम मेरे साथ, तुम्हारी ऐसी। अरे प्लास्टिक की गंजा में डरा रहा है, ये प्लास्टिक नहीं है, रियल है। अब बताओ ये ड्रग किसने रखी है, कहाँ से लाए थे? ये बरोस रखी है, बरोस रखी है। तुम बताओ किसने रखी है ये? अंकल ये ड्रग्स नहीं, ये नमक है, 100% शुद्ध, 100% शुद्ध। क्या नमक? अरे भागो, अलाउद्दीन पागल हो गया।